विपक्ष का नेता अब कुली बन गया है। मोदी जी उसको कभी कुली बना देते हैं, कभी पैदल यात्रा करता है। अभी थोड़े दिन बाद आपको संडास के बाहर दिखा दूंगा, वो 24 से पहले क्या कर रहा होगा कि आओ 5 रुपए दो अंदर होकर आओ। आज वो बोझा उठा रहा है। हमारे बिहार के लोग 8 बजे के बाद जब ट्रेनों में बैठते हैं ना, एक उसका बोझा उठा के दिखाए ना, ये 70 साल से सरकार में राज कर रहा है। राहुल गांधी बढ़िया आदमी है, कुलियों के साथ वो घूम रहा है। अब उसमें पूछो सूटकेस में क्या है, सूटकेस में क्या है बताइए आप। ये सूटकेस का ही लोटा है, पूरा चारों तरफ जो है ना सूटकेस ही भट रहा है। इधर उधर साफ गाड़ी आ गई है, सूटकेस में माल पहुंच गया है। अब क्या मालूम उसके सूटकेस में क्या था। राहुल गांधी कभी सूटकेस उठा रहा है, राहुल गांधी कभी भारत जोड़ो आंदोलन कर रहा है। भारत जोड़ो आंदोलन में जानवर घूम रहे हैं, कह रहा है हमारे आंदोलन में गधे घोड़े कुत्तों ने भी सपोर्ट करी है। अगर 54 साल का युवा नेता होता है, 6 साल बाद तो केजरीवाल उसको पेंशन देना शुरू कर देगा। दिल्ली में रहा तो वर्ल्ड का पहला बंदा होगा जो मनमोहन की मिमिक्री कर दे। मेरे को आती है, करिएगा एक बार। हाँ। ये है तो जब वो बोलेगा नहीं तो और क्या करके दिखाऊं मैं। आप राहुल गांधी के अभी तक आपने कई सारे लुक देखे, किसान का देखा, उसके बाद जो बहुत ज्यादा वायरल है वो आनंद विहार रेलवे स्टेशन का कुली का है और उसपे वो काफी ट्रोल भी किए जा रहे हैं। राहुल गांधी कुली बन गया, गर्व की बात है हमारे देश का। राहुल गांधी कुली बन गया है। क्या कुली बन विपक्ष का नेता अब कुली बन गया है। इतना बढ़िया आदमी है, मोदी जी उसको कभी कुली बना देते हैं, कभी पैदल यात्रा करता है। अभी थोड़े दिन बाद आपको संडास के बाहर दिखा दूंगा, वो 24 से पहले क्या कर रहा होगा कि आओ 5 रुपए दो अंदर होकर आओ। क्या मोदी जी के सामने राहुल गांधी जैसा बंदा होगा तो मोदी जी को कम मेहनत करनी पड़ेगी। बढ़िया आदमी है, सोनिया का बेटा, ए ग्रेट बेटा, नंबर वन बेटा ऑफ द ईयर का अवार्ड मिलना चाहिए उसको, राहुल गांधी को। तो और किसको बोल रहा हूँ मैं, आप किसको समझ रहे हो, पप्पू को? आप किसको समझ रहे हो, पप्पू को? अरे पप्पू कौन है? पप्पू वही राहुल गांधी है, वही चाचा है, वही भतीजा है, वही भतीजा है, वही चाचा है, और चाचा कोई नहीं है। राहुल गांधी बढ़िया आदमी है, कुलियों के साथ वो घूम रहा है। अब उसमें पूछो सूटकेस में क्या है, सूटकेस में क्या है बताइए। आप पूछो सूटकेस में क्या है, सूटकेस में क्या है बताइए ना। लोचा ही सूटकेस का इस देश में नेताओं का। ये सूटकेस में ऐसा माल भरा था कि चाहे 24 में कोई आए, चाहे 19 में आए, चाहे 14 में आए, ये सूटकेस का ही लोटा है। पूरा चारों तरफ जो है ना सूटकेस ही भट रहा है। इधर उधर साफ गाड़ी आ गई है, सूटकेस में माल पहुंच गया है। अब क्या मालूम उसके सूटकेस में क्या था। मगर राहुल गांधी को विपक्ष से हटाने का मतलब है नरेंद्र मोदी जी की 25-30 सीटें लोकसभा की घट जाएगी। क्यों घट जाएगी ऐसे भाई, पब्लिक उसकी शक्ल देखती है तो उनको हंसी आती है, फिर कपिल शर्मा की शक्ल दिखती है, फिर जॉनी लीवर की दिखती है, फिर लोग कहते हैं इससे अच्छा तो ये है कि भैया नरेंद्र मोदी को ही वोट दे दो। ऐसा विपक्ष, सचिन पायलट है राजस्थान में, उनको आगे करो। ज्योतिरादित्य सिंधिया हमारी पार्टी में आ गए, ज्योतिरादित्य सिंधिया है, अच्छा नेता था, हमारी पार्टी में आ गया। अच्छे अच्छे नेता इनकी पार्टी में आज भी है, डॉक्टर मनमोहन सिंह, पूर्व प्रधानमंत्री, मैं कह रहा हूँ एक ग्रेड बंदा था, मतलब बंदा था का मतलब है पूर्व प्रधानमंत्री है, मगर उसको काम करने दिया इन्होंने नहीं दिया। वो तो पहले चेक करता था कि जब तक सोनिया गांधी ने कि जब तक तो मैं फोटो नहीं खिंचाऊंगा, तुम तो माइक भी नहीं अड़ा सकते थे उसके आगे पत्रकार। 15 साल में अगर मनमोहन ने काम करा होता तो नरेंद्र मोदी 2014 में इतने भारी बहुमत से नहीं आता। लोगों ने मजबूरी में वोट दिया है यार, कम से कम कुछ तो मुंह से बोल दो, राम राम ही कर दो हमें। मैं तो माँ कसम उनके मुंह से नमस्ते भी नहीं सुनी है। मनमोहन सिंह के मुंह से किसी को नमस्ते भी याद नहीं होगी। वर्ल्ड का पहला बंदा होगा जो मनमोहन की मिमिक्री कर दे। मेरे को आती है, करिएगा एक बार। हाँ। ये है तो जब वो बोलेगा नहीं तो और क्या करके दिखाऊं मैं आपको। अरे भाई वो चुप ही रहते थे 24 घंटे। वो भाई उन्हें बोलते देखा कभी आपने ढंग से? मेरा सवाल आप, मैं वर्ल्ड में, अच्छा आप मेरे से सवाल पूछोगे? मैं इलेक्शन नहीं लड़ रहा भाई साहब, मैं तो बोलने आया हूँ, जिसको सुनना होगा सुनेगा। मनमोहन सिंह मैं क्या बोला, अर्थशास्त्र का ज्ञानी, 90 के दशक में जिस टाइम पे देश आर्थिक तंगी से मजबूर था, उस टाइम पे मैं अटल बिहारी वाजपेयी की बात कर रहा हूँ, तब मनमोहन सिंह ने आर्थिक तंगी से दूर करने के लिए देश को विकास की राह में ले गया। अगर मैं बीजेपी का हूँगा तो मैं मनमोहन सिंह की तारीफ क्यों करूँगा भाई। मगर उसको बोलने नहीं दिया, उसको दोस्ती नहीं करने दी, उसको मना कर दिया। हमारे जवानों के ले गए वो लौंडे 2 टके के और वो फुटबॉल में खेल रहे और ये कह रहे हेलो यूएन सत श्री अकाल, बंदे ले गए, बंदे ले गए। अबे